आदमी तो आएगी खबर प्रशासन के लिए विदेशी मामलों के जानकार ए के मिश्रा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ए के मिश्रा जी, चीन की एक बार फिर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत को बुलाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। झाओ लिजियन ने साफ तौर पर कहा है कि इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि चीन को घेरने की रणनीति बनाई जा सके। मैम देखिए, आपका कहना सही है। इस पैंडेमिक के पीरियड में ही ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो रहे हैं। चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भारत है, और इधर भारत और अमेरिका, यूरोप वगैरह की जो संगत बनती चली जा रही है, तो चीन ये डेफिनेटली चाहेगा कि भारत को हर मौके पर रोका जाए, क्योंकि भारत का, चीन का अगर कोई प्रतिद्वंदी भविष्य में दिख रहा है इस एरिया में, इंडो पैसिफिक एरिया में, तो वो भारत ही है। और व्यापारिक मुद्दे पर भी देखा जाए, इंटेलेक्चुअल मुद्दे पर भी देखा जाए, सामरिक स्तर से भी देखा जाए, तो भारत ही केवल चीन को जो है इन सब चीजों में रोक सकता है। तो इसलिए चीन को अपना प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचर कॉम्पिटिटर जो दिख रहा है वो इंडिया दिख रहा है, इसलिए वो अपनी सारी चीजों को छोड़ के इंडिया को रोकने में लगा हुआ है। लेकिन इन सब चीजों से हम लोगों को घबराना नहीं है, डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मिश्रा जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, झाओ लिजियन जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं चीन के, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत और अन्य तीन देशों को G7 में बुलाना ट्रम्प की बेचैनी को दिखाता है। मैं समझना चाहती हूँ उन्होंने क्या सोच कर ये कहा होगा, ट्रम्प की किस बेचैनी के बारे में उन्होंने बात की। मैम एक्चुअली क्या है ना, ये ट्रम्प की बेचैनी नहीं बल्कि चीन की बेचैनी को दिखाता है। एज ए विश्लेषक की तरह, ग्लोबल जो है स्ट्रेटेजिक विश्लेषक की तरह मैं ये बोलूंगा कि ये चीन की बेचैनी है कि भारत की अगर एंट्री केवल हुई, भारत को इतनी तवज्जो मिल रही है ग्लोबल लेवल पे, तो पूरा चीन जो अपने आप को एक तरीके से महारथी बनाने में और प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है, ग्लोबल लीडर बनाने में, ये उसकी बेचैनी झलकती है। ये किसी जो है, आप ये ट्रंप की बेचैनी, यूरोपियन यूनियन या दुनिया की बेचैनी नहीं है, ये चीन की बादशाहत को चुनौती मिल रही है कि भारत को क्यों ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है एज ए लीडर की तरह। तो इसको लेके बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, चीन की कुछ स्ट्रेटजिक रणनीतियां हैं, बहुत सारी चीजों पे वो इस तरीके से जो है रिएक्ट करता है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन के ऐसा बोल देने से भारत का निमंत्रण खत्म नहीं हो जाएगा। भारत बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। चीन ने कई जगह अड़ंगे लगाए, लेकिन हमने उनको भी क्रॉस कर लिया है। तो इसको, ये आप इसको केवल चीन की बेचैनी लीजिए, इसमें किसी और देश की कोई बेचैनी नहीं है। यानी कि जिस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, प्रेशर नहीं, देखिए आप इसको ऐसे भी अगर बोलेंगे तो ये कमतर है, प्रेशर नहीं, ये दिखाता है कि चीन बैकफुट पे आ गया है, भारत बढ़ रहा है, भारत की बढ़ती हुई ताकत को चीन रोक पाने में असमर्थ है। तो ये उसकी जो है बेचैनी को दिखाता है कि वो कितना कमजोर हो गया है भारत की रणनीतियों के आगे, भारत के ग्लोबल रणनीतिक जो कूटनीतियां जो हम लोग बना रहे हैं बिना वार के, उसके आगे वो कितना पस्त हो गया है। देखिए, बार बार ये सीमा पे भी कुछ न कुछ करता रहता है इधर उधर, और इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह ये टांग अड़ाता रहता है चीन, लेकिन उसके हर उसके प्रश्न का जवाब हम लोगों ने बड़े माकूल तरीके से दिया है, और चीन को हर अपने हर स्तर पे उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये दिखाता है कि चीन कितना बेबस हो गया है भारत के सामने, तो इसको हमको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप